ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आपके पास आए हैं और वो ये है कि क्या आपके पार्टनर इस रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं, माइंड में क्या है उनके, रीयूनियन है या नहीं है। सो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी था। सो इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के भी करंट सिचुएशन क्या है, फिलहाल क्या सिचुएशन से माइंडसेट से चल रहे हैं, प्लस फिर हम देखेंगे क्या वो रीयूनियन चाहते हैं या वो उसी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को एक जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं करनी है और इसे नाम राशि, सन साइन या मून साइन, जो भी आपको मैच करे जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाए, सो जितनी रेजोनेट हो उतनी इसे देखें। एक और बात कि रीडिंग अगर आप लोगों को पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे रखें ताकि आपको सारी के सारी वीडियोस जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पर हम अब शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। ऑल राइट, सो लियो राशि देखते हैं कि अगर आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उनको क्या चाहिए, इस रिश्ते में रीयूनियन चाहिए या क्या सोचते हैं। पर उससे पहले उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स या करंट इंटेंशंस कहें, रिश्ते में वो क्या चल रहा है उनके एग्जैक्टली माइंड में। ठीक है, सो मैं कार्ड्स रीड आउट करती हूँ। सेलिब्रेशन, हीलिंग, नथिंगनेस एंड कंपैरिजन। देखिए, आपके पार्टनर जो भी साइन के हों, आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अगर उन्होंने भले ही बचपना दिखाया हो या बहुत सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन किया हो, बट अभी लियो आपके पार्टनर हर चीज़ को बहुत सोच रहे हैं, पूरे जैसे प्रोसेस को स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। उन्हें ये देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ पर वो हल्के पड़ रहे हैं, कहाँ पर वो स्ट्रांग हैं, कहाँ उन्होंने चीज़ें ठीक की हैं। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे दूर होने के बाद उनकी लाइफ में खालीपन, अधूरापन आया और उस अधूरेपन ने ही उनको हेल्प करा है इन सब चीज़ों को समझने का। फिलहाल वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें उनको करनी चाहिए जिससे कि उनकी और आपकी लाइफ बेटर हो। इसलिए वो अपनी कमियों पे, अपनी हर एक चीज़ पे बहुत अच्छे से हीलिंग वाले फेज़ में हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छे मोड पे लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं। और जो उनका मेन इंटेंशन दिख रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को खुशियों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा कि उनके मन में कहीं भी ये है कि वो आपके और अपने बीच में प्रॉब्लम्स ऐड करना चाहते हैं या आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह वो आपके साथ वापस से पैचअप करें। ठीक है, लेकिन ये उनकी सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, बट अभी वो क्या रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में एक्शंस हैं, सो हम एक्शन वाइज दूसरा डेक निकालेंगे और उससे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सो लियो राशि के पार्टनर क्या करते हैं, क्या वो रीयूनियन चाहते हैं, क्या उनके इस टाइम माइंड में रीयूनियन चल रहा है, क्योंकि हीलिंग तो चल रही है, चीज़ें तो ठीक कर रहे हैं, बट क्या हीलिंग कर पाएंगे। देखिए, जस्टिस का कार्ड आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। जी ज़रूर वो रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस के कार्ड से ना एक चीज़ तो मेरे को बहुत क्लियर हो गई है कि वो लाइफ में ना क्लैरिटी करेंगे, वो लाइफ में ये करेंगे कि मुझे लियो को क्या देना है और मुझे लियो से क्या करना है। ना ही वो आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं और ना ही खुद के साथ कुछ गलत होने देंगे इस शादी या इस कमिटेड रिश्ते में, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, कहीं ना कहीं या तो ये आपके साथ कमिटेड ऑलरेडी है या ये अब आपको कमिटमेंट अगर नहीं दे रहे थे या शादी में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, अब ये बहुत कोशिश करेंगे चीज़ों को संभालने की, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की, कोई कमी नहीं रखने वाले ये। सो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से तो ना घबराहट, अगर आपको होती थी आप उस घबराहट से तो बाहर आ जाइए।
ये चाहते हैं चीज़ों को सही करना, चीज़ों को बनाना, वापस से स्ट्रीमलाइन करना। तो आप भी उसी फेज़ में जाएं, आप भी ज़्यादा गलत और नेगेटिव मत सोचें, ठीक है। एक तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, जो मैंने आपको बताया भी था, वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई थी, आप ज़रूर उस वीडियो को जाके भी देख सकते हैं। सो लियो राशि, मुझे चीज़ें आपके लिए अच्छी होती नज़र आ रही हैं। पार्टनर स्टेबल कंडीशन में जा रहा है, खुद पे काम कर रहा है, हील कर रहा है और आपको रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ, तो आपके लिए क्या एक्शन है। सो लियो राशि के लिए क्या एक्शन है, हम उस पर जाते हैं। लियो के लिए क्या एक्शन है, लियो नो का कार्ड है। अगर आप किसी चीज़ को मन में बहुत देर से सोच रहे थे ये वीडियो देखते हुए, या कोई लाइफ में काम है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, उसके लिए नो है। सो डिवाइन आपको नो क्यों कह रहा है, ये आपको ध्यान देना है। एंड अगला, बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, आपने नेगेटिव नहीं होना है। ये ना हो कि आप चीज़ों में नेगेटिव होकर चीज़ों को ख़राब कर लें। सो बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच के और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपने। अगर कोई काम आप सुधारने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं तो डेफिनेटली करें, पर कोई ऐसा काम जिसमें कि किसी का और आपका नुकसान है, उसमें ज़रा सा रुक के चलें, ठीक है। सो ये है माय डियर फ्रेंड्स आपकी रीडिंग, एंड आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली हो। तो जितने लोगों को ये मैच हुआ है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। नंबर ऊपर फ्लैश है पर्सनल रीडिंग के लिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।